हेलो गाइस, राजी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर कुलचे, जो आपने ठेले वाले की देगची वाले के भी छोले कुलचे खाए होंगे, सेम वैसे ही टेस्ट के हम घर पर बनाएंगे आज। चलिए आज हम इसकी तैयारी करते हैं, कैसे बनाते हैं। चलिए, मैंने एक कटोरी मटर को रात को भिगो दिया था और सुबह उसमें मैंने वॉश करके अभी इसको बॉईल किया है 4-5 सीटी लगा के। और पानी गाइस आपको इतना ही रखना है कि हमारे मटर उसमें भीग जाए, उसमें डूब जाए, और उसे थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो। ये देखिए, ये मेरी मटर बॉईल होकर रेडी हो गए गाइस, ठीक है। ये देखिए, आप पानी चाहे तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको चॉइस। अब हम इसको निकाल लेंगे पैन में, बॉयल मटर के दाने हैं ये, जिन्हें हमने रात में भिगो के रख दिया था और सुबह बॉयल किया है। अभी आप चाहें तो दिन में शाम को बनाना है तो आप सुबह मॉर्निंग में इनको भिगो सकते हैं, शाम तक रेडी हो जाएंगे बीच में, और आप इसमें पानी डाल के ऐड कर सकते हैं गाइस। अभी कुलचे का मसाला बनाने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं और इसमें 2 हरी मिर्ची ली हैं, 2 छोटे प्याज लिए हैं। आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया लिया है गाइस और नींबू लिया है गाइस 1। तो नींबू आप अपनी पसंद से आधा भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, जैसा आपको स्वाद पसंद हो। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे गाइस, प्याज और ऐड करेंगे। अभी हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। और अब हम इसमें सभी मसाले डालेंगे गाइस, चाट मसाला भी है इसमें, चाट मसाला की वाला चाट मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, जितना आपको पसंद कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। रेड चिली ऑलरेडी मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है, तो जैसा आपको पसंद आए आप डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, ये चाट मसाला। चाट मसाला आप ज़्यादा भी डालें तो ज़्यादा स्वाद आएगा। अब हमें इस मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारे मटर कुलचे बन रहे हैं गाइस। इसमें सभी सब्जियां कच्ची ही अच्छी लगती हैं खाने के समय। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और मुझे थोड़ा सा चाट मसाला कम लग रहा है तो थोड़ा और ऐड कर देते हैं। जी, चाट मसाला और ऐड कर दिया। अब गाइस इसमें हम आधा नींबू लगाएंगे। इसमें हम आधा नींबू निचोड़ देंगे गाइस। आप नींबू का इस्तेमाल अपनी पसंद से कर सकते हैं, कम या पूरा नींबू भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, हमारे कुलचे रेडी हैं। अब चलते हैं कुलचे बनाने की तरफ, कुलचे को सेकना है हमें। चलिए, हेलो गाइस, अभी मैं कुलचे सेकने जा रही हूँ। मैं दिखा देती हूँ आपको मैं कुलचे कौन सी कंपनी के लेती हूँ, कौन सी क्वालिटी। ये इंग्लिश ओवन के लेती हूँ मैं, इसका टेस्ट हमें ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए अब हम इनको रेडी करते हैं।
कुलचे सेकते हैं। ये देखिए ये गाइस ये कुलचे हैं, अब हम इनको सेकते हैं तवे पे, नॉनस्टिक तवे पे सेकते हैं। तवा हमारा गरम कर लेते हैं। अब हम इसमें बटर लगाएंगे गाइस, बटर के साथ सेकना है इनको। ये हमारे कुलचे सिक रहे हैं, थोड़ा इनको दबा देते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाएं। पके तो होते ही हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये लीजिए हमारा कुलचा बनके रेडी हो गया है, गर्म हो गया है। अभी नेक्स्ट बनाते हैं। ये हम कुलचे सेक रहे हैं। अब एक साइड से ब्राउन होने के बाद गाइस दूसरे साइड से हम इसको ब्राउन करेंगे। एक साइड से ब्राउन हो गया है। अब ये भी रेडी हो गया है। आइए अब इसे सर्व करते हैं गाइस। लीजिए गाइस हमारे छोले कुलचे तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर बने हैं, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए मैंने अच्छे से सेके हैं कुलचे भी और छोले भी मटर वाले बहुत टेस्टी बने हैं। प्लीज़ सभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।